मोटा सिक्का यानी हमारा खोटा सिक्का गुलगुला आखिर हमारे हुक्म पे उसने काल लोक से ये तीनों नगीने लाकर ही दे दिए सीधा हमारे हाथ में। हमने जीनू को तो तिमनासा से बचा लिया, अब बगदाद की बारी। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जफर से वो सारे नगीनों को छीन कर उसे खत्म करना होगा और इस नागनी को भी काबू में करना होगा। उसके बाद नक्चड़ी को, मेरा मतलब बगदाद की सुल्ताना यास्मीन, उन्हें भी ढूंढना है। अब हमें दो काम करने हैं, उन मणियों को ढूंढ कर नष्ट करना है और उस नगीनी को भी, ताकि हम सुल्ताना और बगदाद के लोगों को बचा सके। ठीक है, मैं इसमें तुम दोनों का साथ दूंगा। बेटे की तुम हमारे साथ हो, लेकिन ये बात जफर को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा, पता करो कि वो जफर है कहाँ। मैं हूँ भोला भाला, कहाँ है इस वक्त वजीरे नाला। ना उस लोक में और ना इस लोक में किसी को इस बात की खबर पड़ी। हमार और नागिनी भी इस बात से वाकिफ नहीं है और ना होंगे। एक मर्तबा वो लौट कर वापस आ जाए तो फिर हम आज बीते हुए कल और आने वाले कल पर हुकूमत करेंगे। ओहो, तो ये चाल है, इन मणियों का गलत इस्तेमाल करके गिदड़ शेर बनना चाहता है। और शायद इसे पता नहीं कि बालवीर और अलादीन अब साथ में। अब हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो, आओ नागिनी, बहमार आओ। बगदाद का हर एक शख्स पत्थर में तब्दील हो चुका है। जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा नहीं, बन चुका है।
दोस्तों और अपने लिए जैसे मीठी खीर, तुझ जैसे शैतान के लिए धार धार शमशीर, होश उड़ाने आया है वीर लोक से बालवीर। दिल से बुलाया बालवीर आया, और इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, अलादीन, नाम तो सुना होगा। अलादीन कम था कि ये नई मुसीबत आ गई। नागिनी, बना दो इन दोनों को भी पत्थर का। यही सही वक्त है, इससे पहले कि हमें कोई देख ले हमें इन नगीनों को छुपा देना चाहिए। वल्ला वल्ला हबीबी छह गई गरीबी, वजीरे नाला मौका देख के चौका मार रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? हम पीछा करेंगे। ये तो बड़ी और बहुत खतरनाक बनती जा रही है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये नगीने यहां महफूज रहेंगे। आगा वाह! कैसा इत्तेफाक कि तुम यहां क्या 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 कर रहे हो? कमल, मुझे लगा आप मुझे देख के खुश होंगे, प्यार से दो तीन बात कहेंगे, लेकिन आपने तो सवाल के हेले लगा दिए। इससे अच्छा तो मैं वो क्या नाम है, वो इतना सा इतना सा, हाँ हाँ उसी के पास ठीक था। पागल था जो मैं आपकी मदद करने के लिए वहां से आजाद होके आ गया। बुलबुले, तुम्हारी वफादारी देखकर हमारी हमारी ये आंखें नम हो गई। हाँ, हमारे एक कहने पर तुमने हमने ये तीनों नगीने भिजवाए और खुद वाहिद यहाँ मौजूद हो हमारी मदद करने। शुक्रिया। सब जल्दी से इन तीनों के जादू को जगा दो। हाँ, जगा दो। हाँ, करना नहीं चाहता, ना कर नहीं सकता, अब क्या करूं? बालवीर, मैंने शात्रों के शात्र बुलबुल चाचा की किताब में पढ़ा था ऐसी नागनी के बारे में। इसे खत्म करने का एक तरीका है कि जिसकी भी आंखों में देखती है उसे पत्थर का बुत बना देती है। अगर ये खुद की आंखों में देख ले तो वो खुद पत्थर की बन जाएगी, और जिस पर भी उसका असर हुआ है वो सब ठीक हो जाएंगे। अब उसकी खैर नहीं। नागिनी, ओ नागिनी, ये कहां गई? We'll be right back.
कोई आम सांप नहीं, सांपों की अम्मी लगती है। आईने में टूट गया। क्या हुआ गुलगुले, क्या सोच रहे हो? दरअसल तिमनासा ने जुमला कहा था। हाँ, उसने कहा था इन तीनों मड़ियों में इतनी शक्ति है कि ये एक बार में ही पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। ऐसी सब बातों को अगर अपने अल्फाज में ही कहा करोगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इतना वक्त नहीं लगेगा। माफी। अच्छा बताओ क्या करें? क्या करें? वही कहाँ? वो नहीं, वो वही नगीनों के इस्तेमाल का तरीका मालूम हो सही, ले चल हमें वही। तेरा ही हथियार तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। शुरू हो जाए।
दावा है। जब जब दुनिया के किसी कोने में कोई नागिन अपना सर उठाती है, अपने सामने किसी अलादीन या बालवीर को खड़ा पाती है, जो बिना रुके बिना थके बार बार ये साबित करते हैं कि झूठ की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सच की सुबह आने से नहीं रोक सकती। नागिनी, एमआर कहाँ है? ये कहाँ आ गए हो? और इन्हें क्या हुआ? नागिनी की हालत किसने कर दी? अपने आंसू बचा कर रखो जफर, क्योंकि अच्छा नहीं किया बालवीर, अच्छा नहीं किया। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे जफर। भविष्य के समय से आया हूं मैं, और इसलिए बता देता हूं, बीता हुआ कल हो या आने वाला कल, दोनों ही समय में बुराई को हमेशा मूंगी ही खानी पड़ी है। समझे? चिराग के जिन, खत्म कर दो इन दोनों को। क्या कह रहे हैं? अरे इन दोनों ने उस सांप की नागिनी को थप्पा बना दिया, खत्म कर दिया। इन दोनों के सामने मैं किसकी इतनी मूली हूँ? कभी कभी पीछे रहने में समझदारी होती है, समझे? नागिनी नगीने सबका किस्सा खत्म। चलिए आका, घर चले हम। वजह चाहे जो भी हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बालवीर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। बगदाद तुम्हारा शुक्रगुजार है बालवीर। और वीर लोक तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। अलादीन, आज ये साबित हो गया है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई युगों युगों से चलती आ रही है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तुमने जो कहा सही है, तुम्हारी बातें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलता हूं अलादीन, और जाते जाते मैं उस द्वार को भी बंद कर दूंगा, ताकि तिमना सा हो या जफर, कोई भी बुरी शक्ति किसी भी वक्त में जाकर मासूम लोगों को परेशान ना कर सके। अगर विमान यहाँ होता तो वो बोलता सौ कुल। हम हैं रक्षक अच्छाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अलविदा बालवीर। अलविदा अलादीन। नागिनी, नकचड़ी कहाँ है? मेरा मतलब है कि सुल्ताना यास्मीन कहाँ है? नकचड़ी? नागिनी मुझे बताओ कहाँ है वो? जल्दी बताओ नागिनी। वो
लेकिन तुम ये कहाँ गई? हो सकता है कि अपने लोग वापस चली गई हो, काले लोग। मुझे लगा था कि नगनी के खत्म होने के बाद नक्षड़ी वापस आ जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। कहाँ है वो? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.